अध्यापक संघ जिंदाबाद, 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, 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 एचटीएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा का निजीकरण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पलवल विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले जिले के दर्जनों अध्यापकों ने अध्यापक तथा छात्रों की समस्याओं को लेकर खंड कार्यालय पर धरना देकर रोष प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल को ज्ञापन सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता खंड प्रधान अशोक गर्ग ने की तथा संचालन खंड सचिव महेश चंद ने किया। जिला प्रधान वेदपाल ने कहा कि सुलभ शिक्षा प्राप्त करना समाज की बुनियादी आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति करना सरकार का प्रथम दायित्व है, लेकिन सरकार इस दायित्व से पीछे हट रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जहां नए विद्यालय खोले जाने थे उसकी जगह स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सैकड़ों स्कूलों से विज्ञान संकाय को समाप्त किया गया। वहीं राज्य उप प्रधान हरिचंद वर्मा ने कहा कि अध्यापक संघ ने ज्ञापन में नई पेंशन स्कीम की बजाय पुरानी पेंशन बहाल करना, स्कूलों को बंद करने की बजाय जन शिक्षा का विस्तार करना, गेस्ट टीचर सहित विभाग में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना आदि मांग की गई है। आज पूरे जो है कार्यक्रम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने लिया है, पूरे प्रदेश में सभी 119 ब्लॉकों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार की शिक्षा के प्रति जो नियत है और नीति है उसके विरोध में सरकार शिक्षा का निजीकरण करने पर उतारू है, और स्कूलों में पूरे 119 के 19 ब्लॉक्स जो है उसमें एक भी खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है, और जबकि ये पद जो है शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाने, सरकार का कोई इसमें पैसा खर्च नहीं होना, जब मुखिया ही नहीं है तो ये शिक्षा का ढांचा कैसे सुचारू रूप से काम करेगा। हम कहते हैं पदोन्नति की जाए, शिक्षा अधिकारियों के पद भरे जाएं, मुखियाओं के पद भरे जाएं, और जो पद खाली हैं उनको भर्ती से भरा जाए। नारेबाजी की जा रही है। एक तो क्या शिक्षा का जो बजट है और अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है, उसका भारी संकट है। दूसरा, सक्षम की जो क्लासें लगती हैं वो अध्यापकों और बच्चों को उनसे उनमें मानसिक तनाव है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो अलग तरह का है और जो किताबें हमारे पास हैं, जो हमारा सिलेबस है शिक्षा का वो अलग है, उससे उसका कोई मेल नहीं है। और वो अननेसेसरी शिक्षा का जो बजट है अध्यापकों को वेतन ना दे के सरकार एनजीओ को दे रही है, और उसके बारे में जो बीपीएल और जो बच्चे हैं हमारे पास एससी बीसी के, उनकी जो ग्रांट है वो नहीं आई है। जो अध्यापकों जो अतिथि अध्यापक हैं, हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उनको सरकार बिना किसी किंतु परंतु के नियमित करे, और जब तक नियमित नहीं करती है तब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो समान काम समान वेतन का जो आदेश है उसको लागू करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।